अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मरी का प्रोग्राम है और मैंने गाड़ी मंगवाई उबर की, अभी आती होगी। बारिश हो रही है, अड्डे पे जाके देखते हैं कि कौन सी गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है। गाड़ी आ गई जनाब और अभी हम रमा दवा हैं फैजाबाद अड्डे की तरफ, वहाँ जाके फिर कोई गाड़ी पकड़ते हैं आई एस या कोस्टल। अभी हम मरी वाली गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी रवाना होने वाली है, तकरीबन एक घंटा 20 मिनट का सफ़र है तकरीबन जी तकरीबन। और अरशद साहब ने साथ हैं, अरशद व्लॉग वाले, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह जी, इंजॉय करेंगे और आपको जो है वो मरी के हसीन नज़ारे भी दिखाएंगे, साथ साथ आपको रास्ता भी दिखाएंगे आज किस तरह का बारिश, और ये भी बताएंगे कि कितनी देर में हम लोग जो है रावलपिंडी से मरी पहुँचे हैं। तो रास्ते में जो जो भी चीज़ें आती रहेंगी, रोड वगैरह और स्टॉप वगैरह आपको बताते रहेंगे। यहाँ से हम निकलेंगे तो फिर पहले रावल डैम चौक से होते हुए पहले जाएँगे बारह को, फिर सीधा हम मरी, प्लान मरी का है। कल फिर हम कहीं और जाएँगे, देखते हैं कल कहाँ निकलते हैं। नाज़रीन अभी हम गुजर रहे हैं बारह कऊ शहर से और ये काफ़ी बड़ा शहर है और अमूमन इस रोड पे रश ही लगा रहता है, लेकिन लकीली आज बारिश है और रश भी हमें नहीं मिल रहा। तो यहाँ से निकलने के फौरन बाद आएगा 17 मील टोल प्लाज़ा और वहाँ से फिर चलते जाएंगे और हम मरी पहुँच जाएँगे। Hey।
नाजरीन अभी हम पहुंच चुके हैं चिटा मोड़ और यहाँ पर ट्रैफिक जैम है और क्योंकि ऊपर स्नोफॉल हुई है और जो रोड्स हैं उनको साफ़ करने का जो प्रोसेस है वो जारी है और जो ड्राइवर हजरात हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी आप वापस लेके जाएं और जो मुतबादल रास्ता है लारस कॉलेज वाला वहाँ से जाएं तो आप जल्दी पहुँच जाएँगे। अभी हम यहाँ से वापस चलेंगे और एक किलोमीटर पीछे जो रास्ता डाइवर्ट हो रहा है लारस कॉलेज की तरफ वहाँ से होते हुए फिर हम जाएंगे मरी अड्डे पे और वहाँ पर हमारा जो सफ़र है वो इख्तिताम पज़ीर होगा। वो जो रास्ता है वो भी एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह का है। नाज़रीन मरी अड्डे पे उतर चुके हैं हम लोग और सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजरा, तकरीबन 2 घंटे का सफ़र था। वैसे तो सफ़र 1 घंटा 20 में तय हो जाता लेकिन बर्फ़बारी हो रही थी, रास्ते बंद थे तो रूट डाइवर्ट करने गए थे, तकरीबन आधा घंटा में ज़्यादा लग गया। अभी हम मरी पहुंच चुके हैं और बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा और अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अभी हम बाज़ार भी जाएंगे और वहाँ वीडियो बनाएंगे तो फिर आपको वो वीडियो भी पेश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।